क्या कह रहे हो? तुम्हें एक ऐसा पीसी चाहिए जिसमें गेमिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो एडिटिंग सभी कुछ हो जाए, वो भी 4K लेवल पे। यस बेबी यस, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो तुम। एंड साथ ही में ये पीसी फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है। एंड अगर तुमने इस पीसी पर पैसा इन्वेस्ट करा तो तुम्हें रिग्रेट तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि ये पीसी बिल्ड होगा DDR5 प्लेटफॉर्म पर। और भैया जी, अपने कान के और जहां जहां के पुर्जे खोल सकते हो सब कुछ खोल के बैठो, क्योंकि ये पीसी को हम लोग बिल्ड करने वाले हैं फैम्बर्स बिल्ड के साथ। ये वेबसाइट तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे ड्रीम पीसी को बिल्ड करने में, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मोस्ट ऑफ दी न्यू कंपोनेंट लो कॉस्ट पर मिल जाएंगे। एंड भैया जी, फैम्बर्स बिल्ड अपने क्लाइंट का इतना ज्यादा ध्यान रखता है कि यहाँ पर तुमको प्री ओन्ड GPU एंड प्री बिल्ड भी अवेलेबल है। और भाई साहब, आपकी कोई सुविधा में खेद ना हो, उसके लिए इनकी कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध हैं जो तुम्हारा भरोसा जीत लेंगी। जैसे 10% डाउन पेमेंट करो एंड बची हुई 90% कैश ऑन डिलीवरी, कुछ भी टूटा फूटा या खराब निकला उसके लिए 3 दिन की रिटर्न पॉलिसी, और कंपोनेंट के मजे लेते लेते खराब हो जाए तो 6 महीने की वारंटी। एंड सबसे बढ़िया भैया जी, कस्टमर सपोर्ट भी अवेलेबल है, जो कि डायरेक्ट तुम कॉल के थ्रू कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो जाओ और पूरा करो अपना ड्रीम पीसी का सपना फैम्बर्स बिल्ड के साथ। और संपर्क करने के लिए डिस्प्ले पर नंबर और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है। एंड अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जी, फैम्बर्स बिल्ड ही क्यों? तो अगर तुम फैम्बर्स बिल्ड वेबसाइट से पीसी बिल्ड करते हो तो इतना बड़ा प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। खाओ माँ कसम। एंड अगर तुमको यही पीसी सेम प्री बिल्ड चाहिए तो तुम इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करके बनवा सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो भैया जी, कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बारी आती है छोटे मियां, यानी कि प्रोसेसर की। एंड सही बोलूं तो ये प्रोसेसर नहीं, तबाही है। अब देखो, इस प्रोसेसर को बोलने के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर क्या करें, पारिवारिक मामला है ना, माहौल थोड़ा सा बिगड़ सा जाएगा। इंटेल i7 12700F, ये प्रोसेसर तुम्हें कोई भी गेम इजिली विदाउट एनी लैग के प्ले कराएगा। एंड बॉटल नेक की चिंता तुम मत करना, क्योंकि i7 के साथ हम लोग एक ऐसा GPU पेयर करने वाले हैं जिसका कॉम्बो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुम इस प्रोसेसर से गेमिंग में एंड वीडियो एडिटिंग में दोनों में ही 4K रेजोल्यूशन बहुत ही इजीली अचीव कर लोगे। एंड मैं तुम्हें एक बार वार्न करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक F सीरीज का प्रोसेसर है, तुम्हें एक इंटीग्रेटेड GPU की तो जरूरत पड़ेगी ही, वरना तुम्हें मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं मिल पाएगी। एंड कोई भी कंपोनेंट को बाय करते वक्त उसकी स्पेसिफिकेशन तो जरूर से पढ़ना। अगर स्पेसिफिकेशन की बात हुई है तो ये प्रोसेसर आता है 12 कोने और 20 धागों की मायावी शक्ति के साथ, और साथ ही में 25 MB कैश मेमोरी, जो लाइट जाने के बाद ही तुरंत खाली हो जाती है। लाइट चालू करो भाई। और भैया जी, 4.9 GHz की मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलती है। एंड मेमोरी सपोर्ट वो तो पूछो मत, DDR5 प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जिसमें 128 GB तक का तुम इसमें रैम लगा सकते हो। तुम्हारी पुश्ते भी निकल जाएंगी ना, तब भी इतनी रैम की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी जितना ये सपोर्ट करती है। एंड मैं तुम्हें जितने भी कंपोनेंट बताऊंगा वो सभी तुम फैम्बर्स बिल्ड से बाय करना, क्योंकि अमेज़न से अगर तुम ये कंपोनेंट बाय करोगे तो बाय करने के बाद तुम्हें कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड फैम्बर्स बिल्ड से बाय करने का प्रॉफिट ये है, आफ्टर परचेजिंग कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, और अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई यानी कि वारंटी क्लेम में, तो वो खुद करके देते हैं। उसके लिए तुमको सर्विस सेंटर भागने की जरूरत नहीं है, घर बैठो तुमको सर्विस मिल जाएगी, सिर्फ कस्टमर केयर से बात करने की देरी है भैया जी। एंड तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो उसके लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ लोग मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं मुझसे गुफ्तगु करने के लिए, तो देखो भैया जी, मैं पर्सनल सर्विस नहीं देता, आपको हमारे इंस्टाग्राम नामक एप्लीकेशन पर ही हमसे गुफ्तगु करनी पड़ेगी। तो भैया जी, बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट मदरबोर्ड की तरफ, Asus Prime B760M-A Wi-Fi मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड उसी गरम मसाले की तरह है जो तुम्हारे पीसी बिल्ड में स्वाद ला देगा, क्योंकि इसके लुक्स इतने बढ़िया है कि क्या ही बताऊं। और स्पेसिफिकेशन की बात करें भैया जी, तो DDR5 2M.2 स्लॉट, 2.5 GBPS ईथरनेट, Wi-Fi 6, डिस्प्ले पोर्ट जिसको डी पोर्ट भी कहते हैं, HDMI, 6 GBPS सेटा पोर्ट एंड रियर USB 3.2 Gen 2 का सपोर्ट। और देखो भैया जी, मैं तुम्हें मदरबोर्ड के बारे में एक चीज और बता देता हूँ, बी सीरीज की जो मदरबोर्ड होती है उसमें थोड़ी सी तुमको स्पेसिफिकेशन ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू एच मदरबोर्ड। एंड अब कुछ लोग अपना दिमाग लगा के ये बोलेंगे कि भैया जी, तुमको जेड सीरीज का मदरबोर्ड पेयर करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, तो जिसका बजट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है वो एक जेड सीरीज का मदरबोर्ड ले। एंड एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमको ओवरक्लॉकिंग करनी है तब जेड सीरीज के मदरबोर्ड में जाना, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग करते वक्त तुम्हारी मदरबोर्ड का जो VRM सेक्शन है वो थोड़ा हीट होगा, इसका मतलब तुम्हारा VRM सेक्शन जेड सीरीज का थोड़ा पावरफुल होता है, बट एज यूजुअली साथ में कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। एंड तुम्हारा अगर नॉर्मल यूज है जैसे कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा काम है तुम्हारा, तो तुम्हारा B760 जो मैंने मदरबोर्ड बताया उससे काम बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो साफ साफ बता दूं, ये मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग के लिए नहीं बनी है। तो आइए भैया जी, प्रस्तुत करते हैं हम आपको अपना दूसरा कंपोनेंट रैम को। जी स्किल रिपजॉस
S5 DDR5 16 GB की 2 स्टिक यानी कि 32 GB रैम। एंड भैया जी इतनी रैम इनफ है गेम्स एंड मल्टीटास्किंग के लिए। अब देखो यार तुम 16 GB की भी रैम यूज कर सकते हो, बट यही है ना यार कि फ्यूचर में हमको अपना पीसी अपग्रेड ना करना पड़े, तो इसके लिए मैंने 32 GB की रैम तुमको इंक्लूड करवाई है, क्योंकि डे बाय डे हमारी गेम्स एंड हमारी जो एप्लीकेशंस है वो और हैवी होती जा रही है, इसलिए 32 GB की रैम मैंने यूज करी है। एंड भैया जी वही बात स्पेसिफिकेशन इज अरे स्टॉप इट गेट सम हेल्प। तो ये रैम आती है 5600 MHz की रैम फ्रीक्वेंसी के साथ एंड 36 ns की लेटेंसी। तो भैया जी अगर तुमको 36 लेटेंसी ज्यादा लग रही है इस रैम की, तो मैं तुम्हें बता दूं जैसे जैसे DDR वर्जन बढ़ता है वैसे वैसे लेटेंसी भी इंक्रीज होती है, तो तुम लेटेंसी को लेके ज्यादा चिंता मत करो, इट्स नॉर्मल इन DDR5 वर्जन। तो भैया जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट AIO की तरफ, क्योंकि ये बिल्ड थोड़ा सा हैवी होने वाला है, तो हमारे छोटे भैया यानी कि प्रोसेसर थोड़ी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो एक बड़े मामले के हैं। तो इसलिए इस बिल्ड में हमको एक AIO की स्थापना करनी पड़ेगी, तो जिसमें हम लोग यूज करेंगे कूलर मास्टर ML240 लिक्विड कूलर की। ये तुम्हारे छोटे भैया के थर्मल्स को मध्य रखने में बहुत ज्यादा कारगर होगा, और ये सपोर्ट करता है LGA 1700 सॉकेट को और साथ में आता है 2 RGB फैन के साथ, तो तुम्हारा PC का कैबिनेट बिल्कुल छैया छैया दिखने वाला है। और मामला ठंडा करने के बाद बारी आती है स्टोरेज की, जिसमें भैया जी तुम्हारे गेम्स एंड तुम्हारी सारी ही पर्सनल डेटा स्टोर होने वाला है। उसके लिए हम यूज करेंगे वेस्टर्न डिजिटल WDBlue SN580 1TB की NVMe। अब देखो इतना भारी भरकम बिल्ड बना रहे हैं तो मुझे लगा कि 1TB इसके लिए ठीक रहेगी, बट अगर तुम चाहो कि प्राइस और थोड़ा ड्रॉप हो जाए उसके लिए 500 GB की भी लगा सकते हो। एंड भैया जी ये NVMe सपोर्ट करती है PCI Gen 4 को। अब देखो भाई साहब PCI Gen 4 है यानी कि हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उसके लिए हमने जो मदरबोर्ड यूज करी थी ना वो बिल्कुल कारगर है, क्योंकि इस मदरबोर्ड में हमको NVMe के ऊपर हीट सिंक अवेलेबल है, तो भैया जी मामला ठंडा रहने वाला है। एंड भैया जी ये NVMe सपोर्ट करती है 4150 Mbps की स्पीड। अब देखो भैया जी स्टार्टिंग में मैंने तुमसे प्राइस ड्रॉप की बात करी थी और अब वो घड़ी आ गई है, अगर तुम Amazon पे यही सेम PC यही स्पेक्स के साथ बिल्ड करते हो तो तुमको पड़ेगा 168,327 का। एंड सेम PC अगर तुम फैमवर्स बिल्ड के साथ बिल्ड करते हो तो तुम्हें ये PC 132,750 का पड़ेगा। तो भैया जी प्राइस तो ड्रॉप कर दिया, बट GPU का क्या? एंड आई नो कि तुम्हें अभी तक GPU का ही इंतजार था, तो आन बान शान GPU तुम्हारी जान की बारी है, जिसमें हम लोग यूज करेंगे Galaxy GeForce RTX 4070 Ti। ये GPU तुम्हारे 4K गेमिंग की चुल को बहुत ही आराम से खत्म कर सकता है। और देखो भैया जी YouTube पे आजकल हर कोई आना चाहता है, तो उसके लिए एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि एडिटिंग तो उसी से करोगे ना, तो 4K लेवल की एडिटिंग ये तुमको आराम से करा देगा और तुम्हारी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाएगी। और भैया जी फिर से वही बात स्पेसिफिकेशन, तो ये GPU आता है 12 GB DDR6 रैम के साथ। एंड पोर्ट्स का मैं क्या बताऊं, 3 DisplayPort एंड 1 HDMI 2.1, यानी कि तुम 3 और 4 डिस्प्ले अगर पेयर करना चाहते हो इस GPU के साथ तो इजीली हो सकता है। ये GPU आता है ट्रिपल फैन सेटअप के साथ, जो GPU के थर्मल्स को मध्य रखने में काफी ज्यादा सहायक है। और भैया जी अब बढ़ते हैं हैवी PSU की तरफ, सिस्टम हैवी प्रोसेसर हैवी GPU हैवी, तो अपना PSU भी तो हैवी होना चाहिए ना। तो भैया जी इसके लिए हम लोग यूज करेंगे MSI Max 750W की PSU, झटके देने में एकदम दमदार। एंड भैया जी देखो ये PSU इस वजह से थोड़ा महंगा है क्योंकि ये आता है 80+ Gold सर्टिफिकेशन के साथ, बट एक चीज का ध्यान रखना 650W से नीचे की PSU मत लेना वरना तुम्हारे तोते लग जाएंगे। एंड भैया जी अब आते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट की तरफ, कैबिनेट की तरफ। तो देखो भैया जी सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो इसलिए तुम अपने हिसाब से भी कोई भी कैबिनेट सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। बट मैंने तुमको इस बिल्ड के साथ बताया है Galaxy Revolution 05, ये कैबिनेट मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट कैबिनेट रह चुका है, क्योंकि जब ये कैबिनेट लॉन्च हुआ था इतना दबा के सेल थी इसकी कि मैं क्या बताऊं। एंड वही दिखने में एकदम चौकस बवालिया भौकाली और साथ ही में 3 बड़ा चरखा जैसा 120 mm का पंखा मिली, जिसको रेनबो RGB फैन बोलते हैं, भैया जी की तो टोन ही बदल गई है। और साथ ही में 1 USB 3.0, 2 USB 2.0 और 1 माइक और 1 हेडसेट का इनपुट पोर्ट तुमको मिल जाएगा एंड रीस्टार्ट एंड स्विच ऑन ऑफ का बटन। एंड भैया जी अब आप पूरी ही तरीके से 4K गेमिंग के लिए तैयार हैं इस बिल्ड के साथ, तो जाइए और मजे लीजिए इस PC के। और जाने से पहले सब्सक्राइब नामक लाल ईंट को दबा के जाना, वरना बहुत मारते हैं हम।